वेलकम स्टूडेंट्स टू ग्रो विद बायोलॉजी। आज हम पढ़ रहे हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस की एक इंट्रोडक्टरी क्लास हो चुकी है जिसमें हमने पढ़ा कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस तीन वेराइटीज से हो सकते हैं। पहला है रेप्लिकेशन एरर, फिर है स्पॉन्टेनियस लेशन और तीसरा है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या ट्रांसपोजोन्स। रेप्लिकेशन एरर्स में तीन सब वेराइटीज है। पहला है टॉटोमेरिक शिफ्ट, फिर है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, फिर है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एडिशन और डिलीशन। अब हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस लेशंस और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। अब स्पॉन्टेनियस लेशंस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस लेशंस उस तरह के लेशंस है या उस तरह के डैमेजेस है जो कि स्पॉन्टेनियसली हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस लेशंस में फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट वेराइटी फॉर स्पॉन्टेनियस लेशन इज डीप्यूरिनेशन। पहला टाइप है डीप्यूरिनेशन। डीप्यूरिनेशन वर्ड का डी वर्ड का मतलब है रिमूवल, प्यूरिनेशन का मतलब है प्यूरिन ग्रुप। तो किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए से अगर प्यूरिन ग्रुप को हटा देते हैं तो वो हो जाएगा डीप्यूरिनेशन। अब प्यूरिन ग्रुप को कैसे हटाओगे? ये अगर सिंगल स्टैंड ऑफ या डीएनए का बैकबोन है, डीएनए का बैकबोन बना होता है शुगर और फॉस्फेट से, तो ये अल्टरनेट शुगर फॉस्फेट का दो बैकबोन्स है और इन फॉस्फेट्स पे जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस। ये होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। अब इस नाइट्रोजनस बेस में भी कहीं कहीं पे प्यूरिन होगा और कहीं कहीं पे पिरिमिडिन होगा। प्यूरिन हो या पिरिमिडिन हो, दोनों ही हमारे नाइट्रोजनस बेसिस का हिस्सा है। प्यूरिन हर वक्त पेयर करता है पिरिमिडिन के साथ और पिरिमिडिन पेयर करता है प्यूरिन के साथ। तो ये लॉ है जहां पे हम उसकी बात करते हैं। तो अब बात अगर कर रहे हैं हम डी प्यूरिनेशन की, मतलब प्यूरिन ग्रुप को हटाना है। तो प्यूरिन ग्रुप को कैसे हटाओगे? अगर ये प्यूरिन है, इस प्यूरिन को अगर हमको अलग करना है तो जिस बॉन्ड के साथ वो डीएनए के बैकबोन में जुड़ा है उस बॉन्ड को तोड़ना होगा। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अगर तोड़ दो, ये सिंगल बॉन्ड अगर हमने तोड़ दिया तो ये प्यूरिन अकेला हो जाएगा या अलग हो जाएगा और ये यहां से रिमूव हो जाएगा। इस टेक्निक को बोलते हैं डी प्यूरिनेशन। दूसरा एक सेकेंड वेराइटी जो है, ये है सेकेंड वेराइटी है डी पिरिमिडेशन। पिरिमिडिनेशन का मतलब पिरिमिडिन ग्रुप को हटाना। तो कहां है, मान लो ये है पिरिमिडिन ग्रुप, इस पिरिमिडिन ग्रुप को हटाएंगे। अल्टीमेटली एम हटाने का क्या है कि वो हटेगा कैसे? वो हटेगा जब शुगर फॉस्फेट के बैकबोन से हम, ये शुगर फॉस्फेट का बॉय बैकबोन है और ये एक बॉन्ड है जिसके साथ ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, तो हम इस बॉन्ड को तोड़ देंगे ताकि नाइट्रोजनस बेस फ्री हो जाए। अब ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? ये बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को जब हम ब्रेक कर देंगे तो ये प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों फ्री हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस लेशन में पहला दो टाइप है, प्यूरिनेशन और तीसरा सेकेंड है डी पिरिमिडिनेशन। थर्ड वेराइटी है डी एमिनेशन। एमिनेशन का मतलब है एमीन ग्रुप को रिमूव करना। अब एमीन ग्रुप कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, याद रखो ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं ये डीएनए पे बात कर रहे हैं। तो डी एमिनेशन एमिनो ग्रुप का रिमूवल है फ्रॉम डीएनए। चार नाइट्रोजनस बेस में से तीन नाइट्रोजनस बेस, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस में एमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है? साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन। थाइमिन में एमिनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन, इन तीनों ग्रुप्स में इन तीनों नाइट्रोजनस बेसिस में एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब साइटोसिन का जब डी एमिनेशन होगा, मतलब इस साइटोसिन से जब हम
एमिनो ग्रुप को रिमूव कर देंगे। उसी तरह हम एडेनिन से भी रिमूव कर रहे हैं, ग्वानिन से भी रिमूव कर रहे हैं। तो जब साइटोसिन से एडेनिन ग्रुप को रिमूव करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर यूरासिल के साथ, ये साइटोसिन कन्वर्ट हो जाएगा यूरासिल में। एडेनिन जब डीएमिनेट होगा तो ये बनाएगा हाइपोजैंथिन। एडेनिन डीएमिनेशन पे बनाएगा हाइपोजैंथिन और ग्वानिन बनाएगा जैंथिन। अब क्या चेंजेस होंगे? चेंजेस इस तरह से होंगे कि एडेनिन जो है इसे नॉर्मल केस पे पेयरिंग करनी चाहिए थी थाइमिन के साथ, ग्वानिन को पेयर करना चाहिए था साइटोसिन के साथ। ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट बोलता है कि एडेनिन पेयर करता है थाइमिन के साथ, पर अगर इस एडेनिन का डी एमिनेशन हो जाए, एमिनो ग्रुप इस एडेनिन से हट जाए तो क्या बन गया? हाइपोजैंथिन। अब हाइपोजैंथिन बनने के बाद वो थाइमिन के साथ पेयर नहीं करता है। अब हाइपोजैंथिन किसके साथ पेयर करेगा? हाइपोजैंथिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ, और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर करना चाहिए था, पर जब ग्वानिन का डीएमिनेशन हुआ बन गया जैंथिन, और जैंथिन पेयर करने लग गया थाइमिन के साथ। अब अगर डीएनए के लेवल पे, अगर डीएनए बेसिस पे समझो, अगर सीक्वेंस है ए जी ए जी, अगर ये सीक्वेंस है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सीक्वेंस है, तो फर्स्ट स्टेज में ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। अब ये जो है, अगर सपोज इस इन सारे ग्रुप्स में डीएमिनेशन हुआ है, ये एक ही स्ट्रैंड में डीएमिनेशन हुआ है, तो अब ये पेयरिंग ए किसके साथ पेयर करेगा? सी के साथ। जी पेयर करेगा टी के साथ, और ये जी पेयर करेगा टी के साथ। इस स्ट्रैंड में अगर कोई भी पेयरिंग चेंजेस या डीएमिनेशन नहीं हुआ है तो ए पेयर करेगा टी के साथ, जी ए जी। तो ये स्ट्रैंड जो है वो सही स्ट्रैंड है या सेमली कंजर्व्ड हो गया है, पर यहाँ पे अब स्ट्रैंड चेंज हो गया। अब नेक्स्ट राउंड पे जब ये अलग हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सी टी, फिर ये नेक्स्ट राउंड पे ये एमिनेटेड ही रहेगा, डीएमिनेटेड रहने के कारण ये फिर से फॉल्स पेयरिंग करते जाएगा, और फॉल्स पेयरिंग करने पे यहाँ पे ये सी जो है वो पेयर कर देगा एडेनिन के साथ, टी जो है पेयर कर देगा ग्वानिन के साथ, और फिर ये इस तरह से सीक्वेंस, जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो सिर्फ एक पार्ट पे कंजर्व्ड रहेगा और बाकी दोनों पार्ट्स में ये चेंजेस हो गए। ये चेंजेस हो रहा है या इस तरह से चेंजेस हो रहा है, इसीलिए इसको हम काउंट करते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस पे। नेक्स्ट जो वैरायटी है, फोर्थ वैरायटी है ऑक्सीडेटिव डैमेज। अब ये ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डैमेज में हम दो केमिकल्स की बात करते हैं, एट ऑक्सो डीजी। ये होता है 8-ऑक्सो 7-हाइड्रो डी ऑक्सो ग्वानिन, 8-ऑक्सो 7-हाइड्रोक्सी या हाइड्रो डी ऑक्सी ग्वानी। ये केमिकल है। अब इस केमिकल का फंक्शन क्या है? ये केमिकल जो है ये ग्वानिन का एक रिप्लेसमेंट है। ग्वानिन जो नॉर्मली
पेयर करना चाहिए साइटोसिन के साथ। अब जब ये 8-ऑक्सो-डीजी बन जाता है तो ये गुआनिन पेयर करने लगता है थायमिन के साथ। ये फर्स्ट वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज, जिसमें ऑक्सीजन ग्रुप आने के कारण गुआनिन अब साइटोसिन को छोड़ के थायमिडीन के साथ पेयर अप करता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज में सेकेंड प्रॉपर्टी या सेकेंड वेरिएशन से है थायमिडीन ग्लाइकॉल। प्रॉपर्टी है थायमिडीन ग्लाइकॉल। थायमिडीन ग्लाइकॉल क्या करता है, थायमिडीन ग्लाइकॉल, थायमिडीन में ग्लाइकॉल ग्रुप एडिशन होने के कारण ये तुरंत रेप्लिकेशन को, डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देता है। ये डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन अगर ब्लॉक हो जाएगा देन दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो ये बेसिक हुआ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का। अब जो लास्ट पार्ट है वो है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या ट्रांसपोजोम्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या ट्रांसपोजोम्स जो है ये ट्रांसफरेबल एलिमेंट्स है। सपोज ये एक डीएनए है और इस डीएनए में इतना सा पोर्शन है जो ट्रांसपोजेबल है, तो ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकता है। दो तरह का मूवमेंट होता है, एक होता है रेप्लिकेटिव, दूसरा होता है कंजर्वेटिव। रेप्लिकेटिव जब होता है तो ये यहां पे रहते हुए और एक लोकेशन पे शिफ्ट हो जाता है, वहां पे भी है और यहां पे भी है, तो एक ही जीन पे एक ही जेनेटिक मटेरियल ज्यादा बार प्रेजेंट हो गया। तो इससे क्या होगा कि इस जीन से जो प्रॉपर्टीज थी इस जीन की भी वही प्रॉपर्टीज है। तो पहले अगर ये 50% बन रहा था, इस ये जीन 50% एक्सप्रेस हो रहा था, तो दो बार आने के कारण ये जीन्स 100 एक्सप्रेशंस दिखाएगा। मतलब जो प्रोटीन बन रहा था पहले अगर 5 ml बन रहा था तो अभी 10 ml बनेगा। मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ फंक्शन। गेन ऑफ फंक्शन में उसका जितना प्रॉपर्टी था वो अब जस्ट एनहेंस हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जहां पे वो यहां से हट जाएगा और दूसरे एक जगह पे प्रेजेंट हो जाएगा। पर जब वो यहां से हट गया, लेट सपोज इस लोकेशन से जब वो रिमूव हो गया, तो इस लोकेशन से आप जो प्रोटीन बनने चाहिए थे वो प्रोटीन अब नहीं बन पा रहे हैं। हो सकता है कि वो उस क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे चले गया, पर उस क्रोमोसोम से जो प्रॉपर्टी बनने चाहिए थे अब वो नहीं बन पाएगा, तो उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स में दो फंक्शंस हैं या बेसिक दो ग्रुप्स हैं, एक है गेन ऑफ फंक्शन, दूसरा है लॉस ऑफ फंक्शन। ट्रांसपोजिशन क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, तो इसी शिफ्टिंग के कारण उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो ये ओवरऑल हुआ सिर्फ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या क्या म्यूटाजेंस है और किस तरह से हर एक म्यूटाजेंस इफेक्ट करता है। थैंक यू।